हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। और अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है क्वेश्चन आपके सामने, किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए मनोनीत किया गया? बताइए कौन है वो, किसे दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 का? आपका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं सही आंसर। पी आर श्रीजेश। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये है आपके सामने, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस स्थान पर वरुण 19.1 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? बताइए कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ, बताइए आप क्या नाम है उस जगह का। आपका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं सही आंसर, ये रहा आपके सामने, गोवा। कहाँ हुआ, गोवा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने, हाल ही में नेगा रासो गिदादा का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बताइए कौन से देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या नाम है इनका, आंसर दीजिए आपका कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं सही आंसर, इथोपिया इज द राइट आंसर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने बच्चों, एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन होंगे? बताइए क्या नाम है इनका, आपका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, ये रहा आपके सामने, कुमार संकरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने बच्चों, वाटर एंड वाटर पावर कंसिस्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? बताइए कहाँ है इसका मुख्यालय, बताइए कहाँ है मुख्यालय। देखते हैं सही आंसर, ये रहा आपके सामने, नई दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने बच्चों, 8वीं एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 8वीं एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, बताइए किस शहर में किया जाएगा। आपका आंसर लिखकर भेजिए हमें कमेंट बॉक्स में। आप सभी जानते हैं करंट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। देख लेते हैं इसका आंसर, ये रहा आपके सामने, जयपुर। कौन से शहर में होगा, जयपुर में होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने बच्चों, 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन रहा? बताइए कौन सा रहा 18-19 में, बताइए कौन रहा, क्या नाम है। देखते हैं करेक्ट आंसर, इराक। क्या नाम है, इराक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये है आपके सामने, हाल ही में सुर्खियों में रही ममलुहा गुफा किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन से राज्य में है ये गुफा, बताइए। आपका आंसर लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, मेघालय। कहाँ है, मेघालय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने बच्चों, सेबी ने हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज पर 6 महीने की प्रतिबंध लगाया है? बताइए कौन से स्टॉक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है, बताइए आप क्या है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। चलिए देखते हैं सही आंसर, ये रहा आपके सामने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने बच्चों, हाल ही में सुर्खियों में रहे जूलियन असेंज किस देश के नागरिक हैं? बताइए किस देश के नागरिक हैं ये, देखते हैं इसका सही आंसर, ये रहा आपके सामने बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 की थीम क्या है? बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 की थीम क्या है, आंसर लिखकर भेजिए आपका कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका आंसर बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और आप सभी, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर, ये रहा आपके सामने, लोकतंत्र के लिए मीडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने, हाल ही में सुर्खियों में रहा जनरल इंडिस सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस किस देश से संबंधित है? बताइए क्या है इसका आंसर, चलिए देखते हैं सही आंसर,
और इसका सही आंसर है अमेरिका। किससे रिलेटेड है? अमेरिका से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए क्या है इसका आंसर। आप इसका आंसर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, करेक्ट आंसर ये रहा आपके सामने वियना। कहाँ पर है? वियना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने, किस भारतीय पहलवान ने अली अली एव कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बताइए, ये बहुत ही फेमस इंसान है, इनका नाम बहुत ही लिया जा रहा है। क्या नाम है इनका? सभी इनका आंसर लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, सही आंसर ये रहा आपके सामने बच्चों, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बच्चों, हाल ही में किस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन बनी? हाल ही में किस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक कौन बनी? बताइए क्या नाम है इनका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए चेक करते हैं सही आंसर, और इनका सही आंसर है एम जयश्री व्यास। एम जयश्री व्यास इज द राइट आंसर बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? आपको पता है डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने, 2 मई। 2 मई सही आंसर है इसका, 2nd of May। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत फाइबर किस दूरसंचार कंपनी से संबंधित है? बताइए क्या है इसका आंसर। हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत फाइबर किस दूरसंचार कंपनी से संबंधित है? कौन सी दूरसंचार कंपनी से संबंधित है? बताइए क्या है इसका आंसर, आंसर दीजिए आपका। देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने बच्चों, BSNL। किससे रिलेटेड है? BSNL से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान के मसूद अजहर को विश्व आतंकवादी घोषित किया? देखते हैं इसका सही आंसर ये रहा आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये है आपके सामने, भारत सरकार ने किस IIT के साथ मिलकर बेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? बताइए कौन से IIT के साथ मिलकर? ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ मिलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? बताइए क्या है इसका आंसर बच्चों। देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, वाराणसी के बाप्तापुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश के 50 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जितने पायदान पर है? बताइए क्या है इसका आंसर बच्चों, आंसर दीजिए आपका कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने, 23वें स्थान पर, 23वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, वह देश जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर लंबित वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया, बताइए कौन सा देश है वह? क्या है इसका आंसर? देख लेते हैं करेक्ट आंसर ये रहा आपके सामने, भारत। क्या है इसका आंसर? भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बच्चों, किस देश के वायुयान के जनरल टॉड वोल्टेयर्स को नाटो मिलिट्री अलायंस का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी नियुक्त किया? बताइए किसको किया, क्या नाम है इनका? देखते हैं सही आंसर, अमेरिका। क्या नाम है इसका? अमेरिका देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने बच्चों, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने उन्नत भारत अभियान के तहत इस शिक्षा संस्था के साथ समझौता किया? बताइए क्या है इसका आंसर, आपका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सही आंसर ये रहा आपके सामने, IIT कानपुर। IIT कानपुर इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने,
वह प्राइवेट कंपनी जिसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कांगो विमान लॉन्च किया? बताइए क्या है इसका आंसर। और इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, इन्हें हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र महिला निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है, बताइए क्या है इनका नाम। देखते हैं सही आंसर, ये रहा आपके सामने जयश्री व्यास। क्या नाम है? जयश्री व्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये रहा आपके सामने, वह देश जिसने विश्व में सबसे पहला जलवायु आपातकालीन घोषित किया। जलवायु आपातकालीन किसने घोषित किया? तो ब्रिटेन ने। किसने किया? ब्रिटेन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, वह देश जहां 45,000 वर्ष पुरानी दो गुंबदों की खोज की गई है जिसमें अवशेष एक कुछ पुरातत्व कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, बताइए क्या है इसका आंसर। देख लेते हैं, इसका सही आंसर है मिस्र। सही आंसर है मिस्र। थैंक यू। आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।